अमिताभ बच्चन और जया बच्चन आज शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर बिग बी ने ब्लॉग के जरिए अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अमिताभ और जया का रिश्ता एक मिसाल की तरह है। अमिताभ की हर मुश्किल वक्त में जया उनके साथ साये की तरह खड़ी रही। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान बिग बी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। डॉक्टर्स ने जया के सामने हाथ खड़े करते हुए कहा कि अब सिर्फ दुआओं से ही उन्हें बचाया जा सकता है। जया तब हाथ में हनुमान चालीसा लेकर प्रार्थना करने में लग गई थी। अमिताभ बच्चन 2 अगस्त 1982 को बेंगलोर में एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे। ये एक्शन सीन एक्टर पुनीत इस्सर और बिग बी के बीच था। फाइटर सीन में पुनीत इस्सर ने अमिताभ को एक घूसा मारा जिससे उनकी आंत फट गई। उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। उन्हें तुरंत लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ से 5 दिन बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में तब सिर्फ जया और बिग बी के भाई को जाने की परमिशन थी। अमिताभ ने सिमी ग्रेवाल के साथ एक इंटरव्यू में इस भयानक घटना को याद करते हुए कहा था, मैं कोमा में चला गया था। इमरजेंसी में मेरी सर्जरी की गई थी। सर्जरी की वजह से 12-14 घंटे तक एनिस्थिया से बाहर नहीं आ सका। उस वक्त मेरी बीपी लगभग 0 हो गई थी। पल्स भी नहीं मिल रहे थे। कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती थी। इस इंटरव्यू में जया से इस सिचुएशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं जब हॉस्पिटल गई तो देवर ने कहा कि आप कहाँ थी, आपको काफ़ी देर से ढूंढा जा रहा है। मैंने कहा कि बच्चों को देखने के लिए मैं गई थी। उन्होंने मुझे इशारों में कहा कि अब समय आ गया है कि आपको हिम्मत बनाना पड़ेगी। मुझे आभास हो गया कि वे कुछ अनहोनी वाली बात करने जा रहे हैं। मेरे हाथ में हनुमान चालीसा थी। डॉक्टर मेरे बगल से गुजरे और कहा कि अब आपकी प्रार्थनाओं से ही उन्हें बचाया जा सकता है। मैंने देखा कि डॉक्टर्स उनके हार्ट को जोर जोर से पंप कर रहे थे, साथ ही इंजेक्शन दे रहे थे। तभी मैंने देखा उनके पैर के अंगूठे हिलने शुरू हुए। फिर मैंने कहा कि देखो उन्हें कुछ हो रहा है और आखिरकार वो पुनर्जीवित हो गए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।